हे दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल, वर्क कल्चर, थॉट प्रोसेस, डेवलपमेंट, ब्रेन केमिस्ट्री और एक टाइप की पर्टिकुलर पर्सनालिटी के कारण स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और ये एक अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार थे। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में एंजाइटी और GAD यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। अगर आपकी लाइफ में तनाव है तो आपका चिंतित होना यानी टेंशन लेना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये चिंता इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने रोज के काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत गंभीर बीमारी है और इसे ही एंजाइटी कहते हैं। दुनिया में सभी लोगों को कभी ना कभी तो एंजाइटी होती ही है। एंजाइटी का हिंदी में वैसे तो प्रॉपर वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता, फिकर, डर एंजाइटी के लिए सुटेबल वर्ड है। दोस्तों, एंजाइटी और GAD यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये दोनों अलग हैं। एंजाइटी लोगों को कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर डर के कारण कुछ समय तक होती है, जैसे जॉब चेंज करना, एक सिटी से दूसरे सिटी में रहने जाना, पैसों की प्रॉब्लम या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो एंजाइटी होना आम बात है। लेकिन अगर आपको हर वक्त किसी ना किसी बात की, किसी चीज़ की या किसी इंसान का डर या चिंता हर वक्त सताती रहती है, जिसकी वजह से आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे GAD यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और ये एंजाइटी से बड़ी प्रॉब्लम है, यानी ये एंजाइटी का एडवांस्ड स्टेज है। GAD की शुरुआत एंजाइटी से ही होती है। जब एंजाइटी बहुत दिनों या सालों तक ठीक नहीं होती है या कम नहीं होती है तो वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। और GAD के बहुत सारे सिम्टम्स यानी लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि किसी को GAD है या नहीं, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता उन्हें जो तकलीफ हो रही है वो एक्चुअली क्यों हो रही है। एग्जाम्पल, आपको कंटिन्यूस अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की चिंता होती रहती है क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा ख्याल रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, और ये ख्याल बिना किसी वजह के हर वक्त आपके दिमाग में चलता रहता है, जिससे आप हर वक्त चिंता में डूबे रहते हो, जिसके कारण आप आपकी रूटीन एक्टिविटीज अच्छे से नहीं कर पाते हो। और इसलिए GAD के सिम्टम्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं GAD के सिम्टम्स के बारे में। GAD का सबसे पहला सिम्टम है एक्सेसिव वरिंग, यानी बहुत ज़्यादा चिंता करना। आपको नॉर्मल सिचुएशन या छोटी सी बात के लिए बहुत ज़्यादा चिंता होती रहती है और इसके ख्याल लगातार आते रहते हैं, और हमें उस सिचुएशन की वर्स्ट यानी सबसे बुरी कंडीशन के ही ख्याल बार बार दिमाग में आते रहते हैं, और ये ख्याल रुकते ही नहीं है और बढ़ते ही रहते हैं। दूसरा सिम्टम है लो कॉन्फिडेंस, यानी आपका आत्मविश्वास एकदम कम हो जाता है और आपको कोई भी काम करने की हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि आपको लगने लगता है कि मुझसे ये काम होगा ही नहीं या इसमें मुझसे कोई गलती हो जाएगी। तीसरा, ओवर थिंकिंग प्लान्स एंड सॉल्यूशंस, यानी हर सिचुएशन के बारे में सोचकर डरना और वर्स्ट केस के बारे में बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस सोचते रहना और मन ही मन में बहुत सारे प्लान्स बनाते रहना। चौथा सिम्टम है फीलिंग एजिटेटेड, यानी आपको उत्तेजना होती रहती है और लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, और ऐसी सिचुएशन में आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपको पसीना आने लगता है और आपका गला भी सूखने लगता है। पांचवा सिम्टम है रेस्टलेसनेस, यानी आपको हर वक्त बेचैनी सी महसूस होती रहती है और ये भी समझ में नहीं आता है कि बेचैनी क्यों हो रही है, और हमें कोई भी काम को करने में हिचकिचाहट होती रहती है। छठा सिम्टम है फटीग, यानी थकान। एंग्जाइटी के कारण आपको रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी होने के कारण आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं, जिससे आपको मसल्स में दर्द होने लगता है और आपकी एनर्जी यूज होने लगती है, जिससे आपको थकान महसूस होने लगती है। सातवा सिम्टम है डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, यानी एंग्जाइटी में बहुत सारे ख्याल दिमाग में आते रहते हैं और बार बार आते रहते हैं, जिससे आप किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। आठवा, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन। एंग्जाइटी में बेचैनी और चिंता के कारण आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है, क्योंकि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है और हर चीज़ में नेगेटिव ख्याल ही आते रहते हैं, जिससे कोई कुछ भी करने को कहता है तो आपको गुस्सा आने लगता है या चिड़चिड़ापन होने लगता है। नौवा सिम्टम है इनडिसिसिवनेस, यानी आप कोई भी छोटे बड़े डिसीजंस यानी फैसले नहीं ले पाते हो, वो भी इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि एंग्जाइटी में आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है। दसवा सिम्टम है टेंस मसल्स, यानी आपको आपकी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि आपकी मांसपेशियां खींच रही है और अंदर खून जमा हो गया है। आपको आपकी मांसपेशियों में थोड़ा पेन भी होने लगता है। ग्यारहवा सिम्टम है ट्रबल फॉलिंग और स्टेइंग अस्लिप,
यानी एंग्जाइटी के कारण आपको अच्छे से नींद भी नहीं आती है और रात को भी बार बार आपको चिंता या डर लगा रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, जिसके कारण आपको अच्छे से नींद नहीं आती है। 12वां सिम्टम है पैनिक अटैक्स, यानी आपको बहुत घबराहट और डर लगने लगता है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या होने वाला है। पैनिक अटैक में आप अपने आप को लाचार समझने लगते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 13वां सिम्टम अवॉइडिंग सोशल सिचुएशंस, यानी आपको किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना या लोगों से मिलने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि आपको हमेशा ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी या कोई मुझे कुछ बोल देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं वहां कौन कौन आएगा, कैसा माहौल होगा, एक्सेट्रा। ऐसे सारे ख्यालों की वजह से आपको किसी से मिलने का मन नहीं करता है, इनफैक्ट आप अपनी फैमिली से भी इन सब के बारे में बात नहीं कर पाते हो। 14वां सिम्टम है इरेशनल फियर्स, यानी आपको तर्कहीन डर सताता रहता है, ऐसा डर जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे अगर वो इंसान ऐसा कर देगा तो वो वैसा कर देगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट आपको किसी भी चीज का, इंसान का, जगह का, कुदरती आफत का, किसी का भी डर हर वक्त लगा रहता है और ये डर इतने हद तक लगता है कि आप अपने रोजमर्रा जिंदगी के काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हो और ये सब आप अपनी फैमिली से भी अच्छे से नहीं बता पाते हो। 15वां सिम्टम है नर्वसनेस, यानी बेचैनी, आपको हर वक्त बेचैनी होती रहती है और आप इतने बेचैन हो जाते हैं कि आपको हमेशा घबराहट लगी रहती है कि मेरा आगे क्या होगा, मुझसे ये काम होगा या नहीं, ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, वैसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नर्वसनेस में आपको अपने प्रॉब्लम बताने की हिम्मत भी नहीं हो पाती है और आप अंदर से एकदम टूट जाते हो। 16वां स्वेटिंग, यानी पसीना आना, एंग्जाइटी में आपको हाइपर हाइड्रोसिस कंडीशन के कारण आपको पसीना आने लगता है। 17वां नौजिया, डायरिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी आपका जी घबराने लगता है और आपको बार बार टॉयलेट जाने जैसा लगता है। 18वां ट्रेम्बलिंग, यानी कांपना, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी के कारण आपको बेचैनी होती है जिसके कारण आपके हाथ पैर कांपते रहते हैं और आप रिलैक्स होके नहीं बैठ पाते हो। हेडेक्स यानी सिर दर्द, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं और आप फैसले भी नहीं ले पाते हो और धीरे धीरे बॉडी में टेंशन बढ़ते रहता है जिसके वजह से आपको माइग्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सिरदर्द होता रहता है। 20वां डिप्रेशन, अगर आप एंग्जाइटी के शिकार हैं और बहुत सालों तक आप इसके शिकार रहते हैं तो लगातार चिंता करने से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो और डिप्रेशन तो एंग्जाइटी से भी बड़ी बीमारी है। और सबसे आखिरी लक्षण है यानी 21वां सिम्टम जो है सुसाइडल थॉट्स, यानी आत्महत्या के ख्याल आना। दोस्तों एंग्जाइटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां से अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको सारी चीजों से, लोगों से धीरे धीरे नफरत होने लगती है और आपको किसी चीज में या काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और आपको लगने लगता है कि आपके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ख्यालों की वजह से आपको आत्महत्या के ख्याल भी आते हैं। तो दोस्तों ये थे GAD यानी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण और ये सारे बहुत गंभीर लक्षण हैं। जिस किसी को भी ये लक्षण होते हैं वो सोचता है कि अगर किसी दूसरे इंसान को उसके इन लक्षण के बारे में पता चलेगा तो लोग हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मानो या ना मानो हम सबको इनमें से बहुत सारे सिम्टम्स होते ही हैं और हम सबको अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो होती ही है, लेकिन ये एंग्जाइटी GAD यानी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट ना हो इसका हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम अच्छे से हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। मैं GAD की ट्रीटमेंट पर रिसर्च कर रहा हूं और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं इस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा और आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल संजय मीना को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करें ताकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपने सुझाव देना ना भूलें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनमें आपको एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं ताकि वो भी GID एंग्जाइटी के सारे सिम्टम्स जानकर ये समझ पाए कि उनको एंग्जाइटी है या नहीं और जरूरत पड़ने पर अपनी ट्रीटमेंट करवा के खुशी से अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।